जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के अभिया पुल से बहादुर सिंह महाविद्यालय कारो बनकट में आज 15 मार्च को जज सिंह अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ। आवागमन बंद होगा, बस भी नहीं जाने पाएगी। जज सिंह अन्ना ने बताया कि जब तक जिलाधिकारी जौनपुर अभिया पुल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक यह देर रात तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। जिलाधिकारी जौनपुर PWD विभाग जौनपुर घोषणा करे कि 31 मई के पहले यह 1 किलोमीटर बहादुर सिंह महाविद्यालय से अभिया पुल तक का ढलान रास्ता PWD विभाग द्वारा बनकर तैयार करा दिया जाएगा। चक्का जाम आंदोलन है, जिला प्रशासन को सूचना दी गई है, जब तक जिलाधिकारी जौनपुर यहां पर नहीं आते हैं अभी यहां पुल ग्राम सभा कारो बनकर थाना बरसठी तब तक ये चक्का जाम आंदोलन छूटेगा नहीं। आपके सामने कम से कम 1000 जनता यहां पर उपस्थित है और हजारों जनता अभी आ रही है, कम से कम 3000 जनता यहां जुटेगी। जब तक जिलाधिकारी जौनपुर ग्राम सभा कारो बनकर थाना बरसठी में नहीं आते हैं तब तक ये चक्का जाम आंदोलन छूटेगा नहीं। जब तक थाना जिलाधिकारी जौनपुर और PWD चीफ इंजीनियर विथ अपने लाल लश्कर के साथ जब तक यहां पर ग्राम सभा कारो बनकर बहादुर सिंह महाविद्यालय से लेकर अभिया पुल तक जो 1 किलोमीटर कच्ची सड़क है जिला परिषद द्वारा बनाई गई थी आज 15 वर्ष पहले, और PWD विभाग द्वारा इस सड़क को जब तक जिलाधिकारी जौनपुर घोषित नहीं करते हैं कि 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी तब तक यह चक्का जाम आंदोलन नहीं छूटेगा। यह शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। क्यों भैया? तब उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा तो हर जिलाधिकारी के साथ अवगत कराया कि 21-22 में वित्तीय वर्ष में मिलने पर ठीक है ना, अगर वो फिर यही निर्णय तो नहीं मिला हमें वित्तीय धन ये मतलब सोच नहीं सौ मोटो पावर DM साहब को होता है ठीक है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए साहब, यह तो बहकाने वाली जनता को बहुत बड़ी लाभ है आपके पास का नाम।